तो उनका ये कहना था कि ठीक है आपने जब पहल की है तो हम तैयार हैं, आप सेटलमेंट करा दो, हाँ आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ज्योति से बात किया। पावर स्टार पवन सिंह के फैंस के लिए ये खबर काफी ज्यादा खुशी देने वाली है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपको बताते चले कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह को तलाक देने के लिए शर्त रखी थी, और उनकी शर्त ये थी कि पवन सिंह जब उनको 10 करोड़ रुपए और एक फ्लैट देंगे तब जाकर वो तलाक देंगे। लेकिन पवन सिंह ने उनके इस शर्त को नहीं माना और उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। अगर ज्योति सिंह 50 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए में राजी होती हैं तो वो तलाक देने को तैयार हैं, लेकिन ज्योति सिंह भी नहीं माने। इस वजह से जो दोनों के तलाक का मुद्दा है वो खिंचता चला गया और तारीख पे तारीख कोर्ट उन्हें देती गई, लेकिन फिर भी फैसला नहीं हो पाया। नतीजा ये निकला कि ज्योति सिंह आए दिन पवन सिंह को लेकर कई सारे खुलासे करती चली गई, उनके बारे में मीडिया में बयान देती चली गई। नतीजा ये निकला कि पवन सिंह भी कोर्ट में अलग अलग तरह के ज्योति सिंह को लेकर आरोप लगाने लग गए। तो इस तरह से शुरू हो गया मियां बीबी में तकरार का सिलसिला, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहा। अब बात ये है कि पवन सिंह सेटलमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पवन सिंह शुरुआत में क्यों नहीं तैयार हुए, तो इसके पीछे की वजह है ज्योति सिंह का डिमांड। ज्योति सिंह जो तलाक को लेकर 10 करोड़ और एक फ्लैट की डिमांड की थी, अब जाकर वो 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट की डिमांड में बदल गई है। ज्योति सिंह ने अपने हाई डिमांड को लो में कर दिया है, इसी वजह से पावर स्टार पवन सिंह अब तलाक पर सेटलमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए पवन सिंह राजी हो चुके हैं और उन्होंने महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी को फोन कर ये बताया है कि आप पहल कीजिए, हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। जिसका नतीजा ये निकला कि ज्योति सिंह को फोन कर महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी ने इस मुद्दे पर बात की। तो जब पति तैयार हो चुके हैं सेटलमेंट के लिए, पत्नी पहले से ही उसी चीज के डिमांड पर थी, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों का तलाक अब हो जाएगा। क्योंकि पवन सिंह सेटलमेंट के लिए तैयार है तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह को वो 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट अब दे देंगे, और ज्योति सिंह के डिमांड पूरी होने के बाद ज्योति सिंह भी तलाक के पेपर पर साइन कर देंगे। तो इस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाएंगे और दोनों की जिंदगी अलग अलग हो जाएगी। दोनों का पति पत्नी से रिश्ता खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से टोटली अलग हो जाएंगे। तो ये खबर बहुत ही बड़ी है, क्योंकि लंबे समय से जो बात विवाद में चल रही थी, पति पत्नी का जो विवाद सुर्खियां बटोर रहा था, वो जल्द ही खत्म होने वाला है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में अब जाकर फुल स्टॉप लगने वाला है। जैसे ही पवन सिंह ज्योति सिंह के सारे डिमांड्स पूरी कर देते हैं, उसके बाद ज्योति सिंह उनको तलाक दे देंगी और दोनों अलग हो जाएंगे, और उसके बाद ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर ना ज्योति सिंह पवन सिंह को लेकर आरोप लगाएंगी और ना ही पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर कुछ भी बयान देंगे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब आपको इस खबर पर क्या कहना है? ये खबर सुनकर आप कितने ज़्यादा खुश हैं, या जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको बताते चले कि पवन सिंह के फैंस और ज्योति सिंह के सपोर्टर्स चाहते थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएं, लेकिन जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, उसको देखते हुए सभी लोग यही चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और राजी खुशी अलग अलग अपनी ज़िंदगी में मग्न रहें। तो अब बात यही होने वाली है, पवन सिंह सेटलमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।